भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला की। सारे ग्वाल वाल वहां पर आते हैं मटकी के नीचे, पहले तो आकर के कहते हैं कि मैंने तुम्हारा माखन खाऊं तो कैसे खाऊं। पहले भगवान ऐसा सोच रहे हैं, भैया पी गए रात श्याम सपने में आए। देखो भैया जब श्याम ने मटकी फोड़ी, 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 भैया मटकी मटकी बोली रात जाग जपने में आए।
प्रकार से भगवान बालपन में ही अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान ने आज अपनी चोर मंडली को तैयार कर लिया, कभी इधर से कभी उधर। आज सारे वृंदावन में भगवान मक्खन चोरी की लीला करते। बंधु आज फीते में बांध दिया। वह गोपी ऐसी सोचती थी कि हम माखन को यदि ऊपर फीते में बांध देंगे, जैसा हमने अभी ऊपर बांधा था, और हमारे कन्हैया ने नारियल से तोड़ने की कोशिश की थी। हमारे कन्हैया ने वहां पर किसी तोड़ी थी, अभी बताएंगे। आज माता ने उसको ऊपर फीते में बांध दिया कि कन्हैया वहां मटकी को नहीं तोड़ पाएगा। तो कन्हैया सोचते हैं, कन्हैया यहाँ पर हमारे क्या कृष्ण जी अकेले थे, वहां पर उनके साथ सखा भी थे। तो आज सारे सखाओं को लेकर के कन्हैया उस मटकी के नीचे खड़े हो गए और सोचते हैं कि हम मटकी का माखन कैसे ग्रहण किया जाए। इस प्रकार से आज सारी मंडली ने एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक खड़े रह करके, और सबसे ऊपर हमारे गोपाल कृष्ण भगवान चढ़ते हैं और उस मटकी का भोग लगाते। बंधु इस प्रकार वहां पर भगवान ने माखन चोरी की लीला की। भगवान से कोई चीज छुप नहीं सकी आज तक। जब भगवान को माखन नहीं मिला, तो भगवान जब वहां से वापस आ रहे थे, तो उनकी नजर कहां गई? यहां पर दोनों पति पत्नी सोए हुए हैं। जब भगवान ने यह देखा, तो भगवान ने सोचा, देखो माखन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ न कुछ से यहां से मिलना चाहिए। तो दोनों पति पत्नी के पास भगवान की टीम तो नहीं जाती, उनको डर लगता, लेकिन भगवान चोरी से जाते हैं। और जहाँ पर पति पत्नी दोनों सो रहे थे, एक रस्सी ले ली और दोनों के पैरों को बांध दिया। जैसे ही दोनों के पैरों को बांधा है, आज भगवान ने दीपक जल रहा था, दीपक को भी बुझा दिया, फूंक मार दी, और जैसे पैर बन गए तो उसी समय वो तो गिर जाते हैं। बंधु जैसे ही उनकी नींद खुली, सुबह जब यह दृश्य उनको पता चला कि कृष्ण आए थे, उन्होंने हमारे साथ यह नाटक किया है। वह दोनों सारी सखियों को लेकर के वह उसकी पत्नी यशोदा के पास जाती है और कहती है, अरे देख तेरे लाला ने हमारे साथ अब कितना बड़ा छल किया है, कौन सा कार्य किया, आप ये क्यों बोल रहे हो कि हमें परमात्मा के पास से आए? तो भगवान को वचन लेकर के आए कि हम धरा धाम पर जाएंगे तो तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा सत्संग करेंगे, तो आज हम उसको भूल गए हैं। परमात्मा का भजन सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। आज भगवान ने सुंदर गोचारण की लीला भी की, और भगवान थोड़े से बड़े हुए। बंधु भगवान चाहते तो एकदम से बड़े हो जाते, लेकिन भगवान को पता है कि मुझे बालपन में बहुत सारी लीलाएं करनी है। यदि मैं अभी बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं अपनी जो बचपन की लीला है उनको मैं कैसे पूरी करूंगा। तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, और हमारी जो उम्र है हम उसको यूं इसकी उसकी करके बिता रहे हैं। साथ में जाए तारी महला तारी।
करीना,